गुरुग्राम के सेक्टर 27 के हुंडा कम्युनिटी सेंटर में शहीद भगत सिंह कराटे प्रतियोगिता का शुभारंभ पलवल जिला परिषद की चेयरपर्सन चमेली देवी सोलंकी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी रामबीर गहलव, एस के अदलखा, डॉक्टर सुनीता कटारिया, पुष्पा धनगढ़ विशेष रूप से मौजूद थी। प्रतियोगिता का आयोजन R2F मार्शल आर्ट एकेडमी के सौजन्य से किया गया था। एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी श्रीयान दुष्यंत सैनी ने चेयरपर्सन चमेली देवी का गुलदस्ता भेंट करवा व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। प्रतियोगिता के दौरान पलवल जिला परिषद की चेयरपर्सन ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाया और प्रतियोगिता का विधिवत शुभारम्भ किया। चेयरपर्सन चमेली देवी सोलंकी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे शिक्षा के साथ साथ खेलों में आगे बढ़े और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कर देश की झोली में गोल्ड मेडल डालने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि बच्चों को अगर आगे बढ़ना है तो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना जरूरी है। आत्मविश्वास के जरिए ही बड़े से बड़े कार्य को पूरा किया जा सकता है। शिक्षा व खेल के साथ अपने संस्कारों को ध्यान में रखना चाहिए। भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया से अलग है। भारत की संस्कृति, भाषा और वेशभूषा अन्य देशों से अलग है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी भारत है। पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है और यही कारण है कि अब हमें भारतीय होने पर गर्व है। बच्चों को अपने शिक्षकों व माता पिता का आदर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे देश में महिलाओं को हमेशा से सम्मान दिया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। उन्होंने भी हरियाणा प्रदेश में घटते हुए लिंगा अनुपात को ध्यान में रखते हुए ही बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे का नारा दिया। बेटियों की सुरक्षा के लिए ग्रामीण स्तर पर कार्य कर रही है। उन्होंने बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी खिलाड़ी कड़ी मेहनत करें और अपने मुकाम को हासिल करें। शहीद भगत सिंह कराटे चैंपियनशिप की तरफ से जो पांचवा आयोजन करवाया गया है यहाँ गुड़गांव में हुडा कम्युनिटी सेंटर के अंदर, और उसमें बहुत अच्छा बच्चों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा उत्साह है और उनकी जो अभिभावक भी साथ में आए हुए हैं यहाँ पर, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसमें बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास भी आता है, और क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ऐसा है कि बच्चों के लिए खेल भी ज़रूरी है ताकि बच्चे जो है अपना देश का भी नाम रोशन करें इंटरनेशनल लेवल पर जा कर के। और जूडो कराटे तो वैसे भी सेल्फ डिफेंस के लिए भी मैं तो कहूँगी कि खास करके लड़कियों को भी ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि आज तरह जिस तरह का जो माहौल रहता है जिस तरह का, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि लड़कियों को भी हम जूडो कराटे जो हर किसी को आना ही चाहिए, कम से कम अपनी जो सुरक्षा तो कर सके। और हमारे साथ में बीच में खड़े हैं ये दुष्यंत जी हैं, ये भी जो R2F मार्शल एकेडमी है उसके चेयरमैन हैं, और तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है इनका आज गुड़गांव के अंदर। शुभकामनाएं इनके साथ है ताकि अपने जो है इंटरनेशनल अवार्ड जीत कर करके आए। और